यू व्हाट्सअप गाइस, तो की हाल चाल। तो मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल निंजा आर्मी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा हमारे पबजी मोबाइल लाइट की बेस्ट और प्रो सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि आप लोग डायनोमो को तो जानते हो, डायनोमो के लिए कौन नहीं जानता है, वो अपने पबजी मोबाइल में कुछ सेटिंग यूज करता है जिसके कारण वो एक प्रो प्लेयर है, बल्कि वो खेलता ही बहुत अच्छा है, सही है। तो उसकी वजह से वो एक प्रो प्लेयर है, बट उसके साथ एक सेटिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जो डायनोमो यूज करता है। उस सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसके द्वारा आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल सकते हो। हमारे पबजी मोबाइल लाइट में सेटिंग आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, बट आप लोग उनका यूज नहीं कर रहे हो। वो आपकी जो सेटिंग है वो बड़ी है आपकी डिसेबल, आप लोग उन्हें इनेबल कैसे करना है और उनका क्या यूज होता है और उन सेटिंग्स का क्या क्या यूज कर होता है, तो उनके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और एक आप बहुत ही अच्छे प्रो प्लेयर बन सकते हो इस सेटिंग्स के बारे, मतलब सेटिंग्स के बारे, ठीक है। तो यार वीडियो को पूरे लास्ट देखते रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इससे क्या होगा, जब भी मेरे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टॉप 5 कमेंट को शाउट आउट। तो सबसे पहला शाउट आउट जाता है नुतुन कुमार, और दूसरा शाउट आउट जाता है विजय बोबार, और तीसरा शाउट आउट जाता है अंशु सेठ, और चौथा शाउट आउट जाता है उमेश खान, और पांचवा शाउट आउट जाता है कैप्टन अमेरिकन पबजी लाइट। और आपके लिए भी हमारी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंट में से एक बन जाइए और आपके लिए भी हमारी वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पबजी मोबाइल लाइट की बेस्ट प्रो सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि पबजी मोबाइल में डायनोमो करता है और हमारे पबजी मोबाइल लाइट में वो सेटिंग है, वो कैसे यूज करना है, तो मैं उसके एक एक करके सारी सेटिंग्स बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग है वो आती है थर्ड नंबर पर, आप देख ही रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पिकअप पिक एज फायर, ठीक है, पिक फायर, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, आप कभी भी बंदे को पिक करके फायर ले सकते हो। सर डायनोमो कभी भाई हेड जब हेडशॉट मारता है तो पिक करके फायर लेता है, ठीक है, पिक करके फायर लेता है। बट और पबजी मोबाइल लाइट में बहुत सारे बंदों की ये वाली सेटिंग है वो इनेबल भी होगी, बट उन्हें सही तरीके से इसका प्रयोग करना नहीं आता है, ठीक है। एक सेटिंग और भी इनेबल करना, मतलब कि पिक फायर तो इनेबल करना ही है आपके लिए, बट उसके साथ एक सेटिंग और भी इनेबल करना होता है, वो आपके लिए नहीं पता होगी, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। बट इसमें आपके लिए सबसे पहले इस सेटिंग को भाई आपके लिए कर लेना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आप बहुत अच्छा खेल पाओगे, बहुत ही ज़्यादा ठीक से, मतलब कि आप लोग कभी भी खेलोगे तो बंदूक आप पिक करके बहुत ही अच्छे तरीके से मार सकते हो, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं इनेबल, ठीक है। और इनेबल करने के बाद आप लोग क्या उपयोग होता है इसका मैं आपके लिए बता देता हूँ, कैसे भाई पिक करना होता है। जैसे कि हम कोई भी सामने हमारे कोई भी बंदा आता है और मैं यहाँ पर टीपी पे ले रहा हूँ, तो भाई मैं यहाँ पर अपना हेड निकाल के और बंदे को मारने लगूंगा। मतलब ये देखिए भाई, मैं अभी देखो मार के दिखाता हूँ आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए पिक फायर करके लेकर दिखा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही सही होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपके पिक फायर करके दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो इसका पिक फायर कैसे करा जाता है, ठीक है। जैसे ये बंदा मेरे को भाग रहा है, वैसे मेरा ही बंदा है, मैं इसे पिक फायर की स्टेप से मारने लगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे कहते हैं पिक फायर, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ पर अपनी बॉडी पूरी बाहर नहीं निकाली, बट मैंने हेड निकाला और पिक फायर करने लगा, जैसे कि फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से फायर करा जाता है, पिक फायर भाई इस टाइप से होता है, जैसे पिक क्लिक करके, जैसे आप पिक ले सकते हो तो पिक से आप बहुत ही अच्छा फायर करके बंदूक को मार सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं पिक फायर। अगर इसी चीज यही सेटिंग है आप लोग इसे डिसेबल कर दे, तो डिसेबल करने के बाद क्या होता है ये देखिए, तो भाई ये नो प्लेयर होते हैं वो इस टाइप से खेलते हैं। कोई भी सामने बंदा है और सामने बंदा होने के बाद आप लोग पूरा बॉडी का पूरी जो बॉडी होती है आपकी वो पूरी बाहर निकाल देते हो और बंदे को मारना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये होता है सबसे गलत तरीका, ठीक है, क्योंकि बंदा सामने और आप लोग पूरी बॉडी निकाल रहे हो, सामने वाला जो बंदा जो प्रो है वो अपना हेड निकाल रहा है खाली और गन निकाल रहा है अंदर खाली, बस और कुछ निकाल रहा है। और इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर जो सेटिंग है आपकी पिक फायर वाली, इसे कर लो इनेबल, और इनेबल करने के बाद आप पिक फायर करके बहुत ही अच्छे तरीके से मार सकते हो। मतलब आप लोग पूरा जो आपकी बॉडी है वो पूरी बाहर नहीं निकलेगी, बस आपका आधा एक हेड निकलेगा और एक गन निकालोगे बाहर, तो इससे आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हो जाएगा गेम में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग है जो पिक फायर के साथ आपके लिए इनेबल करनी चाहिए, तो वो है पिक फायर के सामने आप देख रहे होगे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके लिए पिक ऑप्शन, तो इसे आपका जो ऑप्शन है वो होगा इस समय टैप पे, और आपके लिए इसे कर लेना है होल्ड पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो टैप होता है, टैप पर क्या होता है, जो आप लोग अभी नॉर्मली खेलते हो टैप पर क्या होता है, टैप पर जैसे कि भाई आप कोई भी बंदे को मारते हो तो आप लोग स्कोप बोलते हो, तो भाई उस पर एक बार टैप कर देते हो तो स्कोप आपका जो खुला है भाई खुला ही रह जाता है, ठीक है, खुला जाता है और पिक भी मतलब लेता ही रहता है हमेशा, ठीक है। चाहे आप इधर उधर घूमते रहो फिर भी आपका जो पिक है वो लेता रहेगा, बट ऐसा डायनोमो भाई कभी आपने देखा, कभी भी ऐसा करते हुए देखा नहीं देखा होगा, ठीक है।
क्योंकि वो ये सेटिंग को होल्ड पे यूज करता है। होल्ड पे भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो मैं टैप पे यूज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये देखिए ठीक है। अब मैं इसी सेटिंग को अगर आपके लिए होल्ड पे करके दिखाऊं तो भाई क्या ही रिस्पॉन्स होता है ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ होल्ड पे, ठीक है। तो मैं इसे होल्ड पे करने के बाद अब मैं इस पे पिक वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो भाई मैं एकदम पिक फायर करके बड़े अच्छे तरीके से एकदम पिक ले सकता हूँ बहुत ही सही तरीके से। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। मैं इस पर टैप करूंगा भाई तभी यहाँ पर पिक लेगा, वरना ट्रिक मतलब कि पिक नहीं लेगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर टैप कर दिया तो ये पिक ले लिया, और जैसे मैं टैप यहाँ से हटा दूंगा तो ये पिक नहीं लेगा बंदा। मतलब कि आप लोग वहाँ पर पिक वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करोगे, जब तक आपका वहाँ पर क्लिक हाथ मतलब एक उंगली है जब तक लगी रहेगी तब तक ही भाई आपका पिक लेगा। जब आप अपनी उंगली हटाते हो वैसे ही पिक लेना बंद कर देगा बंदा। तो ये बहुत ही सही सेटिंग है अगर आप लोग इसे अप्लाई करते हो अपने फ़ोन में। बट आपके शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी इन सेटिंगों से, बट आपके लिए बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर दो एक दो हफ्ते आप सही से खेलते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे पिक मतलब पिक प्रो प्लेयर बन सकते हो, पिक ले लेके बंदों को मार सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं अपनी दो एक दूसरी सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग है उसका नाम है स्कोप मोड, ठीक है। तो स्कोप मोड आपका यहाँ पर होगा टैप पर, ठीक है। टैप पर होता है भाई, टैप पर होता है, इसे आप लोगों को करना है होल्ड पे। तो भाई टैप पर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, फिर होल्ड के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि टैप होता है, टैप पर आप लोग एक बार क्लिक कर देते हो, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो आपका स्कोप है वो आपका खुलाई का खुला रह जाता है। जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हो मेरा जो स्कोप है वो खुला हुआ है, ठीक है। मतलब मैं इस पर टैप करूँगा तभी हटेगा, वरना ये खुला का खुला ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है भाई, कई बार मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे बंदों के साथ होता भी होगा ऐसा, ठीक है। जैसे बस यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग किसी बंदे को मार रहे हैं, सामने वाले बंदे को मार रहे हैं, मतलब कि स्कोप खोल के बंदे को मार रहे हैं, सामने वाले बंदे को मार रहे हैं, और आपके पीछे कोई बंदा आता है तो आप लोग हड़बड़े में क्या करते हैं, पीछे वाले बंदे को कहता है भाई पीछे बंदा है। तो आप लोग हड़बड़े में ना भाई पूरा जो स्कोप होता है वो पूरा का पूरा हिला डालते हो कि भाई किधर बंदा किधर का बंदा, मतलब आप लोग भूल जाते हो वहाँ पर कि भाई हमें स्कोप भी बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए दोबारा टैप करना पड़ता है तभी आपका स्कोप बंद होगा। तो ये होता है गलत। अगर आप लोग यहाँ पर जी सेटिंग को अगर होल्ड पर यूज करो, ठीक है भाई, इसके स्कोप वाले मोड है जो उसको अगर होल्ड पे यूज करते हो तो क्या होगा, जैसे कि आप सामने वाले बंदे को मार रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार सकते हो, पीछे वाले बंदे को भी आराम से मार सकते हो। क्योंकि यहाँ पर होता है जब आप स्कोप पर क्लिक करोगे, स्कोप वाले जो ऑप्शन है उस पर आप लोग क्लिक करोगे तभी स्कोप आपका खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। जैसे टैप पर आप लोग क्लिक करोगे तो खुलेगा, खुला ही रह जाता है स्कोप। अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड पे यूज करते हो तो होल्ड पे आप लोग क्लिक करोगे तभी आपका स्कोप खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बंदों को आप लोगों को यहाँ पर देखा भी होगा, जैसे कि डायनोमो को तो आप हमेशा ही देखते होगे यार, डायनोमो तो हमेशा पिक लेता है, तो अभी भाई उसका देखना। और स्कोप भाई जब भी खोलता है वो टैप पे रखता है हमेशा स्कोप, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। और हमारे पबजी मोबाइल लाइट में बहुत सारे प्लेयर हैं जो इस साइड सेटिंग को यूज करते हैं बहुत सारे। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा भाई स्कोप ऑन करते हैं बंद करते हैं ऑन करते हैं बंद करते हैं ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे करते होंगे तो आप लोगों ने बहुत सारे बार देखा होगा, ठीक है। क्योंकि वो इसीलिए कर पाते हैं, उनके पास टैप का ऑप्शन होता है, मतलब टैप पर मतलब टैप से होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, इसके लिए वो बहुत ही अच्छा खेल पाते हैं। और स्कोप बंद और खोलना बंद खोल मतलब बंद ओपन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ करते हैं टैप करके, ठीक है। तो इस टाइप से करते तो आपके लिए हमेशा जो पिक वाली सेटिंग है उसे भी होल्ड पे रखना है, और जो स्कोप वाली सेटिंग है उसे भी आपके लिए होल्ड पे रखना ही है, ठीक है। तभी आप बहुत ही अच्छे प्रो प्लेयर बन सकते हो। और डायनो भी भाई ये वाली सेटिंग यूज करता है, क्योंकि मैंने भाई इसकी स्ट्रीम है भाई बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उसका, तो भाई स्ट्रीम में उसकी देख के दो दो घंटे देखता हूँ, तो भाई मेरे को पता है भाई क्या सेटिंग यूज करता है। तभी भाई आप लोगों को मैंने सोचा कि बता दिया ये वाली सेटिंग पबजी लाइट में भी है, बट आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को ये सेटिंग के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये सेटिंग बताई, और सेटिंग आप लोग कैसी लगी तो मेरे को यार कॉमेंट बता देना। और आपके लिए कुछ और भी प्रो प्लेयर सेटिंग्स चाहिए, जैसे डायनोमो तो बहुत सारी सेटिंग यूज करता है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पर जो मेन सेटिंग है अभी आप लोग इन्हें यूज करो, बाद में अगर और भी अच्छी अच्छी सेटिंग हो अगर बतानी हो तो मेरे को बता देना कमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मेरे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।